यहां पर सोनिया गांधी को जिले की जनता ने, वोटरों ने जिता कर भेजा, तो क्या रायबरेली जिले का हिंदू हिंदू नहीं जा? मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, आप बताइए। मैंने नहीं दिया वोट बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? राष्ट्रवादी है आप? मैं राष्ट्रवादी नहीं, मैं भारतवासी। ब्राह्मण तो कंफ्यूज चल रहा है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, क्लियर है, सामने खड़ा है भाई, क्लियर है। कांग्रेस कोर्ट करेगा, सुशील पासी कोर्ट करेगा, क्लियर। बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, कांग्रेस की सरकार आएगी भैया। यहाँ पे कांग्रेस का वर्चस्व हरदम था, इस बार भी कांग्रेस यहाँ से जीतेगी भाई। 12वीं क्लास पढ़ने के बाद इंटर में दाखिला, ये कभी सुना आप लोगों ने? ये हमारे तड़ीपार जी ने यहाँ पे कह के गए रायबरेली में, तो इनका वर्चस्व रायबरेली में ना कभी था, ना कभी है और ना कभी आगे रहेगा। ये कांग्रेस जीतेगी, हाँ, सुशील पासी। बीजेपी कोई पसंद नहीं कर रहा। योगी का काम कहाँ होता है? मंदिर में होता है, शासन चलाना काम थोड़ी उसका है। योगी काम शासन चलाना नहीं है, साधु काम शासन चलाना नहीं है, वो काम तो राजनीतिक लोगों का है, वो तो मंदिर जाए घंटा बजाए। यहाँ कांग्रेस जीत रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि नेहरू जिम्मेदार हैं, अगर नेहरू जी देश में लोकतंत्र ही नहीं लाए होते तो आज ये प्रधानमंत्री होते, आज ये बाबा मुख्यमंत्री होता, आज बाबा मठ में बैठा होता, अगर कांग्रेस ने लोकतंत्र न लाया होता, अगर नेहरू जी यहाँ पे लोकतंत्र न स्थापित किया होता, आज ये गोरखपुर का मठ का जो पुजारी आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, कतई नहीं होता। बीजेपी जी कमल खिल रहा है। यहाँ सुशील पासी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं जीत। नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। बछरावा विधानसभा रायबरेली में मौजूद है, यहाँ पे चौथे चरण में जो मतदान होना है, यहाँ की जो तमाम आम जनता जो चाय की पट्टी पे यहाँ मौजूद थी, इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा इनका रहेगा जो चौथे चरण में ये मतदान करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे इशारों में कि ये किसकी तरफ जाना पसंद करें। हालांकि रायबरेली जो है कांग्रेस का एक टाइम में गढ़ भी रहा है, और कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे जो है यहाँ से इस जनपद से चुनाव लड़ते रहे, इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ क्या कुछ माहौल बन रहा है, क्या कहेंगे, क्या माहौल बन रहा है, क्या देख रहे हैं इस बार यहाँ पे? यहाँ कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, हाँ, सुशील पासी, इसलिए उनका कोई पसंद नहीं कर रहा। क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए, युवाओं के लिए क्या मुद्दा रहेगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, यहाँ की जरूरत है, और स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के नाम पर यहाँ का जितना भी युवा है वो कांग्रेस पार्टी और सुशील पासी के साथ में खड़ा हुआ है। ये कांग्रेस रायबरेली जिले का गढ़ रहा है कांग्रेस का, और अभी भी यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार सुशील पासी सबसे आगे चल रहा है। अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, यहाँ पे गढ़ खत्म हो गया। जिले में कभी अस्तित्व बचाने की लड़ाई जो है कांग्रेस ने नहीं लड़ी है। जब पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक सीट मिली है लोकसभा में, तो वो रायबरेली में मिली है, तो कहाँ अस्तित्व बचाने की लड़ाई चल रही है। गढ़ है अभी, अभी भी गढ़ है। सोनिया गांधी को जो है रायबरेली वालों ने जिता कर भेजा है। 5 साल योगी जी में क्या रहा, कहा जा रहा था कि रामराज है, रामराज है। देखिए, आप रोजगार की बात करिए, आप विकास की बात करिए, धर्म की बात कर रहे हैं आप, ये राजनीति आप करने आए हैं तो विकास की बात करने के लिए आए ना। हमारा तो ले आते हैं ना, धर्म तो नेता ले आते हैं। नहीं, मस्जिद होता रहता है। नहीं, मंदिर मस्जिद जो है वो नेता कर सकते हैं। जनता इस बार जो है क्या कहते हैं बछरावा विधानसभा में सुशील पासी के लिए मन बना चुकी है, एकदम क्लियर है। यहाँ पर राम नाम लेने वाले जो है क्या कहते हैं पार्टी के अन्य भक्त हैं, लेकिन राम नाम को मानने वाले जो है क्या कहते हैं वो स्वयं में आस्था रखते हैं। उसके तो जो राम के हैं वो हमारे हैं, बीजेपी वाले हैं, जो राम को लाए उनको लाना है। देखिए, श्री रामचंद्र जी किसी एक पार्टी के जो है ब्रांड एम्बेसडर नहीं हैं, वो हमारे और आपके सभी के हैं। इनको आप दलों में नहीं बांट सकते हैं, वो हमारे दिलों में हैं। कह रहे जो लोग बुलडोजर से डरे हुए हैं वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। नहीं, तो रिजल्ट बताएगा। कल प्रियंका गांधी की रैली हुई है, 50,000 आदमियों से खचा खच जो है भरा हुआ था रफी अहमद के दुबई पार्क, तो इशारा बता रहा है कि यहाँ पर कौन जीत रहा है। बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए। नहीं, ठीक है। नहीं, क्यों हो गया, कैसा रहा 5 साल? अरे बहुत दिक्कत है किसानों को। किसानों को दिक्कत? हाँ, बहुत दिक्कत, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बता रहे हैं। और भाई साहब क्या रहा, युवा है, क्या सोच रहे हैं? बीजेपी, बीजेपी जी कमल खिल रहा है। यस, यहाँ रायबरेली में क्या लग रहा है, यहाँ पे इस विधानसभा में? रायबरेली सदर से हैं, अदिति सिंह जीतेंगे वहाँ पे बीजेपी से। अच्छा, जो पहले कांग्रेस में थी। जी जी, अब वो भाजपा में आ गई हैं। तो कैसा रहा 5 साल, अच्छा रहा योगी जी का? जो भी था सब अच्छा था। जय श्री राम। जय श्री राम के नाम पे श्री राम। जय श्री राम। क्या लग रहा भाई साहब? अच्छा लग रहा। अच्छा, आनंद में है सब? हाँ, आनंद में। सरकार आ रही है बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार आ रही है। और बताए क्या लग रहा है भाई माहौल यहाँ पे? कांग्रेस है, कांग्रेस का माहौल लग रहा है। कांग्रेस कांग्रेस क्यों आ रही है?
अरे यहाँ पहले से पैदा कांग्रेस, ये से पैदा है कांग्रेस। अच्छा हाँ, तो कांग्रेस रहेगी, गढ़ है ये। हाँ गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, गढ़ रहेगा, क्या बता रहे हैं। हाँ भैया, यहाँ सुशील पासी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, कांग्रेस से भारी बहुमत जीत रहे हैं, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं जीत पाएगा। 5 साल कैसा रहा योगी जी का? योगी जी का महीने जब खराब था, क्या रहा बोल भाई साहब? कांग्रेस आएगी अपनी बार, कांग्रेस आएगी। और कुछ लोग इधर इनसे बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है भाई साहब बताएं, मोहर क्या लग रहा है इधर? मोहर कांग्रेस को देना, कांग्रेस को। हाँ, बीजेपी से क्या दिक्कत रहा? अरे दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कतें बहुत हैं। क्या बहुत दिक्कत है, क्या माहौल बताएं भाई साहब? सबका विचार जो वही अपना भी है। कांग्रेस है क्या आपका? जो भी है। क्या क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में भैया? कांग्रेस निकल रही है इस बार, कांग्रेस निकल रही है, कांग्रेस। ये भाई साहब तो कह रहे बीजेपी। अरे बीजेपी का पूछो, टिकट मिला बीजेपी वालों को? बीजेपी वालों को टिकट मिला है? अच्छा, नहीं मिला। कपलेट को मिला है, इन्हें खुद ही नहीं पता बीजेपी को टिकट। सरकार बन रही कि नहीं बन रही है पता? बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, कांग्रेस की सरकार आएगी भैया, कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या माहौल बन रहा है यहाँ बताएं? यहाँ पे कांग्रेस का वर्चस्व हरदम था, इस बार भी कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। कांग्रेस क्यों कह रहा है पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस लड़ाई में नहीं? आप लोग कांग्रेस, आप लोग कांग्रेस कभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन किया, सीए एनआरसी लेके आए मोदी योगी जी, कौन बोला? कांग्रेस पार्टी के नेता बोले। जितने भी मुद्दे हुए, लखीमपुर से लेके उन्नाव में बेटी जला दी गई, वहाँ पर कौन खड़ा हुआ? हमारी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। और आपने अभी कहा कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, लेकिन आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जो राम रहीम को लाए हैं वो आसाराम को भी लाएंगे? और ये लोग देख ही रहे हो कि जो बलात्कार के आरोपी जो जेल में बंद हैं उनको बेल पे बाहर ला रहे हैं। तो ये इनकी नीतियाँ हैं। बछनावा विधानसभा इस बार विकास पर बात करेगा। धर्म के नाम पर तो लोग वोट मांग सकते हैं, लेकिन अब वोट नहीं मिलेगा। अमित शाह जो कैराना का मुद्दा कह रहे, राम मंदिर को बड़ा अचीवमेंट अपना बता रहे थे, इससे फायदा नहीं पहुंचा? आपने बड़ा अच्छा लोगों का नाम लिया। अमित शाह अभी कल रायबरेली में आए थे, उन्होंने कहा कि 12वीं पास करने के बाद जो इंटर में दाखिला लेगा, ये कौन सा स्कूल है भैया, कहाँ पर रहे? हम लोग तो ढूंढ रहे, अभी तक मिला नहीं। भाई 12वीं क्लास पढ़ने के बाद इंटर में दाखिला, ये कभी सुना आप लोगों ने? ये हमारे तड़ीपार जी ने यहाँ पे कह के गए रायबरेली में। तो इनका वर्चस्व रायबरेली में ना कभी था, ना कभी है, और ना कभी आगे रहेगा। साइकिल भी तो लड़ाई में, फिर ऑप्शन में उसको क्यों नहीं? साइकिल पंचर हो चुकी है। अच्छा। साइकिल पंचर हो चुकी है, साइकिल में केवल गुंडई दबंगई देखने को मिली है। इस बार कांग्रेस पार्टी पूरा उत्तर प्रदेश मन बना चुका है। कांग्रेस पे आरोप लगता है कि हिंदुत्व के कहीं ना कहीं विरोधी है, राहुल गांधी का जिस तरह बयान आता है, बीजेपी तो कसके पकड़ती है उनके बयान को। राम हमारे दिल में है, राम भगवान एक आस्था है, आस्था पर हम लोग ने उनको कभी ब्रांड मिनिस्टर के रूप में कभी उनको फोटो नहीं स्लोगन किया, ना हमने उनके नाम पे कभी वोट लिया। आप लोग मीडिया के साथ ही कहते हैं कि अयोध्या का भव्य मंदिर बन गया, आप अयोध्या जाके वहाँ पे डिबेट कराइए, देखिए वहाँ पे क्या है। आज भी तिरपाल में भगवान राम जी आज भी तिरपाल के अंदर रह रहे हैं, कौन सा भव्य मंदिर बना दिया? तो बन रहा है ना, जो कहते राम को बड़े महल में विराजमान होंगे, कब तक राम को बेचेंगे? राम के नाम पर ये लोग भीख मांगते हैं, अब की जनता भीख भी नहीं देगी इन लोगों को। कब तक राम के नाम पर वोट मांगेंगे? 90 से चल रहा है, कब बंद होगा? 30 साल हो गए राम के नाम पर वोट। अरे कभी जो है क्या कहते हैं शिक्षा के नाम पर, बताओ यहाँ महाराज इनमें बछनावा विधानसभा में खड़े हैं, एक अल्ट्रासाउंड की मशीन इन्होंने चलवाई हो, 10 दिन जो है क्या कहते हैं सड़क पे गड्ढे के लिए को लेकर जो है 2000 आदमी सड़कों पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहा था, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का विधायक था, तो कब तक राम के नाम पर? ठीक है, आपके पास क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ बछरावा विधानसभा में? यहाँ तो कांग्रेस में है, कांग्रेस में है, सुशील पासी में है, कांग्रेस में है। तो कह रहे कमल खिल के रहेगा हर जगह, करहल में खिल जाएगा ये तो? नहीं नहीं, वो कुछ भी कहें लेकिन संभव नहीं है। रायबरेली हिंदुत्व मॉडल के साथ क्यों नहीं जा रहा है? नहीं, हिंदुत्व मॉडल कब तक चलाएंगे भाई, सब तो अपने हैं, ये क्या हिंदू 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 क्या है, अरे सब अपने हैं यहाँ पर, ये सब वो खाली वोट की राजनीति करते हैं। अरे योगी जी का महंत का चेहरे से प्रभाव नहीं पड़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई उनको तो गोरखपुर में मंदिर बनाना चाहिए, योगी का काम कहाँ होता है, मंदिर में होता है, वो शासन चलाना काम थोड़ी उसका है। योगी काम शासन चलाना नहीं है, साधु काम शासन चलाना नहीं है, वो काम तो राजनीतिक लोगों का है, वो तो मंदिर जाए घंटा बजाए, काम उसका है। हिंदुत्व मॉडल के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? क्या है हिंदुत्व मॉडल योगी जी जिसको पकड़ते हैं कसके? नहीं नहीं, हिंदुत्व मॉडल है क्या पहले ये तो बताइए? हिंदू मॉडल ये है एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, ये हिंदू मॉडल है। जो राम जो है क्या कहते हैं नाम को ले रहे हैं भाजपाई, वो जो है भाजपा जो वोट ना करे भाजपा को वो हिंदू नहीं है। 80-20 की लड़ाई बता रहे हैं, 80-20 की बात ना करिए। आप ये बताइए कि लोकसभा में यहाँ पर सोनिया गांधी को जिले की जनता ने वोटरों ने जिता कर भेजा, तो क्या रायबरेली जिले का हिंदू हिंदू नहीं है? यहाँ पर पूरे जिले में यहाँ की जनता ने सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की लीडर को जो जिता कर भेजा, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण है हाँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। आप बताइए, मैंने नहीं दिया वोट बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में? अच्छा। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? राष्ट्रवादी है आप? मैं राष्ट्रवादी नहीं, मैं भारतवासी हूँ। अच्छा।
मैं भारतवासी हूँ, राष्ट्रवादी की परिभाषा बताइए पहले। जो कट्टर हिंदू कहा जाता है वो बीजेपी से ईसाई, ये हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ब्राह्मण तो कंफ्यूज चल रहा था। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, क्लियर है, सामने खड़ा है भाई। अच्छा। क्लियर है, कांग्रेस कोर्ट करेगा, सुशील पासी कोर्ट करेगा, क्लियर है। आप बताइए, लोकसभा में किया तो ब्राह्मण हितैषी नहीं मानते बीजेपी को आप? क्या चीज, मैं जात पात धर्म की राजनीति को गलत मानता हूँ। मैं युवा हूँ, आप रोजगार की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए और वोट लीजिए। क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ पे बताएं? नहीं, यहाँ कांग्रेस जीत रही है। क्यों, कांग्रेस के साथ मजबूरी क्या? कुछ नहीं, कोई मजबूरी नहीं, किसी पार्टी के साथ जुड़ना कोई मजबूरी नहीं है। हाँ। हमारी इच्छा है, जो विकास करता है, जिससे क्षेत्र की जनता को लगाव हो उसके साथ जाएगा, कोई मजबूरी कोई क्या है। तो बीजेपी के 5 साल में क्या रहा, सब आनंद में नहीं रहा? हमको कुछ नहीं मिला भैया, नहीं दिखाई पड़ा, न हमारे क्षेत्र में कोई अस्पताल, न विद्यालय, न कुछ नहीं खुला। जो पहले गए कांग्रेस के समय वही है। कांग्रेस तो कहते 70 साल लूट लिए देश को, कौन कहता है? बीजेपी तो आरोप लगाती है। अब बीजेपी कहती होगी, लेकिन हमारी समझ में तो नहीं लूटा कांग्रेस ने, कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस क्या कहेंगे, इस तरह के आरोप लगते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल लूट रहा। अगर 70 साल में अगर कांग्रेस ने लूटा, तो कांग्रेस ने देश को लूटने के बाद भी गैस सिलेंडर 350 रुपये का दिया, ये तो शुक्र है मोदी जी आ गए, जो देश को बेच करके भी आज देश में देशवासियों को 1000 रुपये का सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं। पेट्रोल का दाम देख लीजिए, सरसों का तेल का दाम देख लीजिए, ये कौन, ये सरकार किसकी है? हर जवाबदेही कांग्रेस की क्यों होगी? आज सरकार में कांग्रेस है क्या? डबल इंजन की सरकार है। महंगाई बढ़ा, नेहरू जिम्मेदार है, उसके क्या विधायक कहते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि नेहरू जिम्मेदार हैं। अगर नेहरू जी देश में लोकतंत्र ही नहीं लाए होते तो आज ये प्रधानमंत्री होते, आज ये बाबा मुख्यमंत्री होता, आज बाबा मठ में बैठा होता। अगर कांग्रेस ने लोकतंत्र न लाया होता, अगर नेहरू जी यहाँ पे लोकतंत्र न स्थापित किया होता, तो आज ये गोरखपुर का मठ का जो पुजारी आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, कतई नहीं होता। हर चीज का जवाबदेही कांग्रेस नहीं है। आज जो आज जितना भी मोदी जी बेच रहे हैं, ये उनको शादी में दहेज में मिला था, जो बेच रहे हैं दहेज में लेके आए थे मोदी जी, लाए तो थे ये देश की, क्या नहीं बेचा आपको नहीं पता क्या? LIC का 20% हिस्सेदारी बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे स्टेशन बिक गया, क्या नहीं बचा? बचा क्या है? आज भारत पहला देश है जिसके पास खुद का जेट एयरवे नहीं है। अब आगे कोई बात ही नहीं बची। लेकिन विदेश में जो दूसरे देश है वो तो कांपते हैं कि प्रधानमंत्री से कांपते हैं। लग रहा है आप अभी मीडिया में है ही नहीं है, हमें तो लग रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। अभी 1 साल पहले मोदी जी अमेरिका जाते हैं, ठीक है, अमेरिका में क्या हुआ किसी को मालूम है? वहाँ के सैन्य अधिकारी आके उनको एयरपोर्ट से ड्रॉप करके लेके चले गए। इतिहास में पहली बारी हुआ कि किसी भारत के प्रधानमंत्री को सेना के जवान आए उनको पिकअप करने, ये पहली बारी हुआ है। विदेशों में डंका नहीं बज रहा है इनका, मतलब डबल इंजन की सरकार में कुछ नहीं रहा है। कौन डबल इंजन? डबल इंजन की सरकार में 1 साल पहले यही कोविड में 2021 में हमने लोगों को मरते हुए अपनी आंखों से देखा, तब कांग्रेस पार्टी के नेता से लोग मदद मांग रहे थे। आज जो टीवी एंकर श्वेता सिंह, ये कौन है, अंजना ऑफ कस्टम कौन है, उस समय तो श्रीनिवास जी से मदद मांगी जा रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की गुहार लगाई जा रही थी, तब कहाँ थी ये डबल इंजन की सरकार? मोदी योगी कहाँ थे उस समय? मोदी योगी घरों में बैठे लुके। क्या लग रहा भाई साहब, बताएं भाई, ये सरकार सही नहीं है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को चाहिए चाहिए कांग्रेस चाहिए इनको, क्या आपका क्या मामला लग रहा है? तो यहाँ पे जो बछरावा विधानसभा में हम हैं और रैंडमली सबसे यहाँ पे बातचीत की, यहाँ का क्या कुछ माहौल बन रहा है, क्या मुद्दा होगा लोगों के लिए, लोगों ने बताया। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो से, बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।